ऐसे है मुंडल है मुंडा है भाई भतीजा के छठ किया है अभी शुरुआत की है हमारे भैया की है भैया की है हाँ भैया की है छठ शुरुआत कर रहे हैं। आपने कैसे अपने भैया की मदद की कैसे मदद की भैया लाने गए हम लोग बिहार से आए लगे बिहार से यहाँ पूजा करने के लिए आपने उनके आप वहाँ से यहाँ पर आई है प्रसाद बनाने में सामान इकट्ठा करने में क्या इकट्ठा करने में आए हैं प्रसाद बटाने में आए हैं और साउथ का मुंडन है उसमें भी हम लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हम पड़ोसी हैं उनके लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मजा आ रहा है हमको और बहुत बढ़िया लग रहा है हमको साथ में हम आए हैं छठ पूजा बहुत अच्छी है। अंजलि अंजलि ये बात देखिए कि लोग दिल्ली से अगर बिहार जाते हैं झारखंड जाते हैं तो लोग बिहार झारखंड से दिल्ली भी आते हैं अगर उनके परिवार के लोग छठ व्रत करते हैं उनकी मदद करने के बिल्कुल नाम है। और एक महिला से आपकी बात हुई थी उन्होंने बताया है कि छठ घाट पर जो है मुंडन करने की भी परंपरा है तो उन्होंने सही कहा है ऐसी मनोती होती है ऐसी मान्यता मांगी जाती है अगर किसी बच्चे का मुंडन कराना हो तो छठ के घाट पर मुंडन कराना बेहद शुभ माना जाता है और छठ के घाट पर मुंडन भी होता है बच्चों का। ललिता के पास हम चलते हैं कंकड़बाग के शिवाजी पार्क से हमारे साथ ललिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ललिता बातें बहुत सारी करने को है तैयारियों के बारे में क्योंकि महापर्व छठ को लेकर के अलग अलग तरह की तैयारी होती है। एक तैयारी ये भी होती है मैं अपनी बात बता देती हूँ कि सुबह जब अर्घ्य का समय होता था उससे पहले रात को ही उठना पड़ता था और पारण के लिए जो है वो घर में जो है अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाने होते थे चावल दाल और अलग अलग किस्म के पकोड़े बनाने होते थे सब्जियां अलग अलग किस्म की बनानी होती थी कुल मिलाकर के वो खाना बनता था जो कि छठ करने वाले यानी छठ व्रती को पसंद आता था। सुबह का अर्घ्य जैसे ही पड़ता था घर आने के बाद पारण उसी खाने को खाने के बाद छठ व्रती जो है वो खोलती थी ललिता। वक्त अब शुरू हो चुका है जब उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और तस्वीरों के जरिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से अब जो है व्रती जो पानी के अंदर खड़ी थी और उसके आगे की जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अभी अभी मैंने एक जो तस्वीर देखी वो अंजलि मैं आपको बताऊं कि अभी जो सिन्हौरा होता है जो शादी के वक्त में इस्तेमाल किया जाता है यूज किया जाता है उसका उपयोग यहाँ पर किया गया। एक सिन्हौरा से दूसरे को व्रती ने सिंदूर लगाया है पूरे नाक से और कहा जाता है कि इसका एक अलग ही कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है। और तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पानी में जो है वो अब अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो हमारे व्रती के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो क्या क्या इंतजाम करके आए हैं वो एक बार हम बात कर लेते हैं उनसे। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर व्रती तो मौजूद है लेकिन भीड़ काफी है तो इसी के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर एक परिवार की जो सदस्य है वो पहुंची हुई उनसे बात करते हैं। आप बताइए मैम क्या क्या इंतजाम करके यहाँ पर आई हैं आप? यहाँ पे हम तो बहुत सारा इंतजाम करके आए हैं। अभी अर्घ्य देने का वक्त है क्या कुछ हाथ में रखा है आपने? हाँ हमने दूध रखा है। और घर में सारे इंतजाम करके आई है? हाँ सब खाने वाला सब काम करके आए। बाकी दिन भी काम करती है या सिर्फ छठ में काम करती है? नहीं बाकी दिन भी हम काम करते हैं हमेशा रोज। और आपके परिवार में आज क्या क्या पकवान बनाए गए हैं क्योंकि आप जो व्रती होते हैं जब उनका पारण होता है तो घर में जो है अलग अलग तरीके की चीजें बनाई जाती हैं? हाँ तो अलग चावल दाल सब्जी पकौड़ी बहुत सारे चीज बनाए गए हैं। सुना अंजलि अब आप सुनिए कि बगल में हमारे गीत जो गा रही है वो भी एक बार आपको सुनाने की कोशिश। तोहार दीनानाथ दर्शन देहु हमार चारा पहार चारा जल थल सेवले चारा पहार चारा जल थल सेवले सेवले में चरण तोहार दीनानाथ। बिल्कुल अंजलि सुना आपने और अब वो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जिस तस्वीर का इंतजार कह सकते हैं हर कोई को होता है हमें भी है आपको भी है। और ये देखिए अब सूप जो है वो व्रती के हाथ में पहुंच चुका है और अब बस वो क्षण आ गया है जब व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगी और अर्घ्य दिया जा रहा है। ये शुभ काम हम भी कर लेते हैं अंजलि क्योंकि जब हम यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल ललिता जरूर भाग्यशाली है आप सभी के अर्घ्य देने का मौका आप सबको मिला है आप अर्घ्य दीजिए। सबसे ज्यादा
खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और देश भर से ये कांतिमान तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और गीतों के जरिए ये कहा जा रहा है सूर्य देव से छठ व्रतियों के द्वारा, घर के बाकी लोगों के द्वारा कि हमने आपकी चारों पहर सेवा की है, अब अपने दर्शन दे दीजिए, अब इंतजार नहीं होता है, दर्शन दीजिए, हम अर्घ दे, हम आपकी आराधना करें और उसके बाद जो है महापर्व जो है वो संपन्न करें। सात अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली के ITO घाट से अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, पटना के लॉ कॉलेज घाट से आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पटना के कंकड़बाग के शिवाजी पार्क से हमारे साथ ललिता जुड़ी हुई हैं, रांची के टैंक तालाब से जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सन्नी शारद जो है जमशेदपुर के प्राचीन सूर्य मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान का रुख करते हैं। कामरान, फिलहाल वहां क्या चल रहा है, क्या पानी के अंदर अब उतर गई है छठव्रती सूर्यदेव का इंतजार करने के लिए? चलिए कामरान, हम आपके पास लौटेंगे लेकिन उससे पहले हम सन्नी के पास चलते हैं सूर्य मंदिर में। सूर्य मंदिर के पास कैसा नजारा देखने को मिल रहा है सन्नी इस वक्त? थोड़ा इंतजार और है अब भगवान भास्कर के उदय होने में, व्रती क्या कह रही है, क्या कर रही है? सन्नी से लगता है हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, बहरहाल कोशिश करेंगे कि सन्नी के पास जाए, सूर्य मंदिर की रौनक हम देखें। अनामिका के पास चलते हैं दिल्ली के ITO घाट में। अनामिका, ITO घाट में तो लगता है कि जैसे मेले वाला नजारा देखने को मिल रहा है और गीत भी गाए जा रहे हैं, डांस भी हो रहा है और बस इंतजार हो रहा है कि जल्दी से बस सूर्यदेव दर्शन दे दे छठ व्रतियों को ताकि आगे की प्रक्रिया जो है पूजा की शुरू की जाए। जा रहा है ये भी देखा जा सकता है, केवल एक जगह पर नहीं अंजलि, यहाँ पर जगह जगह पर कुछ इसी तरह के से ढोल नगाड़े हैं और उन तमाम जगहों पर लोग इसी तरह के से नाच गा रहे हैं, छठी मैया की आराधना कर रहे हैं। कोई गीतों के माध्यम से मैया की आराधना कर रहा है तो कोई डांस के माध्यम से मैया की आराधना कर रहा है और इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है अंजलि, ये तस्वीरें अपने आप ही बयां कर रही है कि कितना ज्यादा खुशी है लोगों में और इनमें वो लोग भी है जिन्होंने छठ व्रत कर रखा है और उसके बाद भी इतनी एनर्जी से इतनी शक्ति के साथ ये यहाँ पर डांस कर रहे हैं। इनके परिवार के लोग जो यहाँ पर साथ में आए हुए हैं, जिन लोगों ने छठ व्रत किया हुआ है उनका भी ये कहना है कि उन्हें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनके परिवार का पूरा सहयोग उन्हें लगातार मिलता रहा है और वो सहयोग इस छठ घाट पर लगातार देखने को भी मिल रहा है। दिया जलाने से लेकर डाला सूप सजाने तक हर चीज में हर एक मौके पर परिवार के लोग मदद कर रहे हैं, खासतौर पर पुरुष मदद कर रहे हैं महिलाओं की इस मौके पर। और अच्छी बात यह है कि जिन पुरुषों ने व्रत रखा हुआ है, कई ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है, उन पुरुषों की मदद महिलाएं कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले एक महिला यहाँ पर लेटते हुए आई है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि मन्नत मानी थी, हाथ में दो लकड़ियां ले रखी थी उन्होंने और उस लकड़ी से वो नाप रही थी कि आखिर कितनी दूरी पर वो आई हैं और कितना अभी आगे उन्हें और जाना है, यानी कि एक कदम की दूरी भी छूट ना जाए छठी मैया तक आने तक, उनके घाट तक पहुंचने तक, इसीलिए लकड़ी से नापते हुए वो यहाँ तक पहुंची हुई है। अभी आप तस्वीर देखिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है पूजा की। अभी यहाँ पर छठ व्रती पानी में अभी भी नहीं उतरी है अंजलि, क्योंकि अंधेरा अभी भी है और अभी समय नहीं हुआ है, थोड़ा वक्त बाकी है, इसलिए घाट के किनारे बैठकर ही महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब भगवान भास्कर का उदय हो और कब भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाए। लेकिन जो महिलाएं बिल्कुल हमारे पास आई है पटना से, ये आकर्षक और खूबसूरत तस्वीरें हैं जहाँ छठ व्रती इंतजार कर रही है सूर्य देव के उगने का, उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कुछ ही देर बस बचे हैं सूर्यदेव को दर्शन देने में और उसके बाद छठ व्रती अर्घ देंगी। कोसी भरने की परंपरा है, अलग अलग मान्यताएं हैं और लोगों की अलग अलग मन्नतें होती हैं, मन्नतें पूरी होने पे जिन्होंने जो मांग रखा है वो जरूर छठ महापर्व पर पूरा करते हैं। ये आकर्षक और खूबसूरत तस्वीरें मन को मोह लेने वाली सादगी से भरा ये महापर्व है।
और प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है जिसमें प्राकृतिक चीजों की जरूरत पड़ती है और प्रकृति की ही पूजा होती है। एक बार फिर से हम ललिता का रुख करना चाहेंगे। ललिता, क्या देख रही है वहां पर, इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल अंजलि, कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है जैसा कि आप बता रही हैं। जैसी मन्नत है उसी मन्नत से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसी की कोसी भरने की मन्नत है तो कोई मैया के दर तक नंगे पैर आ रहा है, तो कोई लेटते हुए आ रहा है। रामिका ललिता से भी जान लेते हैं, वो कुछ बता रही है, नजर आने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आप देखिए सूर्य की लालिमा जो है वो नजर आने लगी है और अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। हमारे जो कैमरा पर्सन है वो लगातार आपको खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से। ये एक तालाब है अंजलि, जहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है। बिल्कुल आप कह सकती है कि ये जो छठ घाट होते हैं, जो जगह जगह बड़े बड़े घाट बनाए जाते हैं, उनसे कहीं भी पीछे नहीं है। यहाँ पर भी वही इंतजाम, यहाँ पर भी वही चीजें और यहाँ पर भी तमाम जो तस्वीरें आप दूसरी जगह से देख पा रही हैं वो ही। ललिता, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि कुछ तस्वीर हमारे पास सामने आई है जो कि सबसे दिलचस्प तस्वीर है और शायद इस तस्वीर का इंतजार देश के हर नागरिक को होता है, हर किसी को होता है। क्योंकि कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के घर जो महापर्व छठ की पूजा होती है वो अपने आप में खास होती है और सब लोग इसको कवर करने के लिए पहुंचते भी हैं। राबड़ी देवी के आवास से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पूर्व सीएम राबड़ी देवी इंतजार कर रही हैं भगवान भास्कर के उदय होने का। अपने घर में ही वो तालाब में भगवान भास्कर को अर्घ देती हैं और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप उनके साथ हैं, जो अपनी मां के साथ इंतजार कर रहे हैं भगवान भास्कर के। आपके मन में क्या है? क्योंकि तेजी आपने खुद दिया थी, आपकी मैया ने पूरे बिहार के लिए, बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की और छठ का व्रत रखा। लालू प्रसाद यादव पहले बोले थे कि तबीयत ठीक नहीं है। तो पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इंतजार हो रहा है भगवान भास्कर के उदय होने का। और हमारे साथ मुंबई के जुहू बीच से जी मीडिया संवाददाता अमित जुड़ गए। अमित, महापर्व छठ में ही ये देखने को मिलता है कि क्या आम और क्या खास, सभी भगवान भास्कर और छठी मैया की आराधना में लीन रहते हैं। कुछ देर पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे लालू यादव के आवास की, जहां इंतजार हो रहा है भगवान भास्कर के उदय होने का। सबसे सादगी भरा ये पर्व होता है और इसकी छठा तो मुंबई में भी देखने को मिलती है। अमित, कैसी तस्वीरें आपके पास दिखाने के लिए? जी अंजलि, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये एक बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कहा जाता है कि जो छठ पर्व होता है वो बहुत ही धूमधाम से उत्तर भारत में मनाया जाता है, पर इस वक्त हम यहाँ मुंबई के जुहू बीच पर खड़े हैं। यहाँ ऐसे दृश्य देखकर हमें प्रतीत ही नहीं होता कि हम मुंबई में दूर मीलों दूर महाराष्ट्र में यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं आपको एक यहाँ पे कुछ एक दृश्य दिखाना चाहूंगा जुहू बीच का। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पे यहाँ पे सब पर्व की तैयारियां की जा रही है, छठ पर्व की तैयारियां की जा रही है। भास्कर देवता का यहाँ पे राह देखा जा रहा है कि कब वे सूर्योदय होगा, कब वे पूजा करेंगे और वे कब अपना उपवास तोड़ेंगे। दरअसल यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, जो कल शाम से ही यहाँ है, भूखे और प्यासे हैं। पूरे छठ पर्वों को शिद्दत के साथ एकदम मनाया जा रहा है यहाँ। यहाँ हर साल इसी प्रकार का दृश्य देखने मिलता है। कहा नहीं जा सकता है कि ये इस वक्त हम मुंबई में खड़े हैं, जहां महाराष्ट्र ज्यादा रहते हैं, डोमिनेटेड है उत्तर भारतीयों का। यहाँ पे एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े तादाद में यहाँ आए हुए हैं, छठ पर्व मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 42 घंटे के एक रिगरस उपवास के बाद वे अब जाके सूर्योदय का देख के अभी अपना उपवास तोड़ेंगे और बड़े ही धूमधाम से यहाँ छठ पर्व मनाएंगे। बिल्कुल अमित, अद्भुत तस्वीरें हैं ये और मुंबई की ये तस्वीरें हैं। शायद लोगों को लग रहा होगा कि बिहार झारखंड से ये तस्वीर सामने आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे सहयोगी अमित मुंबई के जुहू बीच पर इस वक्त खड़े हैं और वहीं से ये तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, जहां खुद अमित को भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो मुंबई में इस वक्त मौजूद है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बिहार में ही हूं और महापर्व छठ मना रहा हूं। तो अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालू यादव के आवास की तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि देखिए यहां भी इंतजार हो रहा है भगवान भास्कर के उदय होने का। और अमित, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा पैन करके आप आसपास की तस्वीरें दिखाएं कि कैसे मुंबई इस वक्त बिहार लग रहा है। जरूर जरूर जी,
तो यहाँ पे आप देखिए सब तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से पारंपरिक तरीकों से पूजा करने का यहाँ पे सब यहाँ पे सब सामान लाया गया है। पूरी अच्छी तरीके से पूजा की जाएगी। कल रात से ही यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कल शाम को यहाँ पे कह सकते हैं कि संध्या अर्चना हुई थी। अब जाके उषा आरोग्य होगी। पूरी तरीके से लोग परंपरा के तरीकों से यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल अमित, पूरी परंपरा के साथ ये महापर्व मनाया जा रहा है। मुंबई के जुहू बूथ से ये तस्वीरें देख रहे हैं सभी दर्शक, और लालू यादव के आवास से भी ये तस्वीरें जीबीआर झारखंड के तमाम दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरीके से अब राबड़ी देवी जो है वो तालाब के अंदर पहुंच चुकी हैं, जहां पे भगवान भास्कर को उन्हें अर्घ देना है। हमारे संवाददाता विवेकानंद वहां मौजूद हैं, जो कि आगे की बातचीत पूरी करेंगे और तस्वीरों के बारे में बताएंगे। विवेकानंद, हम देख पा रहे हैं तालाब के अंदर प्रवेश कर चुकी है पूर्व सीएम राबड़ी देवी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। कितना इंतजार, और सूरज की लालिमा दिख रही है वहां पे। तो लगता है विवेकानंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल इन तस्वीरों के बारे में बता दूं आपको, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि क्या आम और क्या खास, छठी मैया की आराधना हर कोई इसी सादगी के साथ कर रहा है, और यहां पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी जो है वो उसी सादगी के साथ भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार कर रही है। और सूरज की लालिमा अब पड़ती नजर आ रही है, यानी कि थोड़ा वक्त और जब यहां सूर्यदेव दर्शन दे देंगे और उसके बाद जो है वो उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर महापर्व छठ की समाप्ति होगी। और हम कंकड़बाग के शिवाजी पार्क चलते हैं। जी मीडिया संवाददाता ललिता वहां मौजूद है। ललिता, शिवाजी पार्क में अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कितना वक्त और लगेगा अब भगवान सूर्य को दर्शन देने में? बिल्कुल अंजलि, देखिए यहाँ पर अर्घ देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और हमने आपको पहले भी दिखाया है कि जो यहाँ पर व्रती जो हमारे पानी में उतरे हुए हैं वो अर्घ दे रहे हैं। लगातार अर्घ देने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। आप देख सकती हैं पूरी तरह से अब तालाब भर चुका है। एक अनोखा दृश्य अंजलि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए किस तरह से एक बेटा अपनी माँ को पानी में लेकर जाता है अंदर, और सहारा जिसे कहते हैं वो सहारा बनता है, और उस सहारे के साथ माँ अंदर जाती है पानी में, और उसके बाद उनको अर्घ दिया जाता है, अर्घ दिलाया जाता है। एक जो माँ जिनका उम्र हो जाता है, जिनकी उम्र हो जाती है, वो अपने बेटे के सहारे से पानी के अंदर गई है और खड़ी है वहाँ पर, इंतजार कर रही है। लेकिन तस्वीरें यहाँ की बेहद ही खूबसूरत कह सकते हैं। बिल्कुल, अब ऐसा लगने लगा है कि बहुत ही कम समय रह गया है जब सूर्य देव अपने दर्शन देंगे और उसके बाद छठ व्रती उन्हें अर्घ देंगी। और ललिता के पास लगातार हम लौटते रहेंगे। हम चलेंगे जमशेदपुर के सूर्य मंदिर सन्नी के पास। सन्नी जी, बताइए, मुख्यमंत्री रघुवर दास नजर आ रहे हैं तस्वीरों में? जी सन्नी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है सनी, तो बताइए तस्वीरों के बारे में। सीएम रघुवर दास दिख रहे हैं सूर्य मंदिर में पहुंच चुके हैं वो। एक मिनट सर। तो लगता है सनी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे। बहरहाल ये जमशेदपुर के सूर्य मंदिर की तस्वीर है, जहां खचाखच लोगों की भीड़ है। ये वो श्रद्धालु हैं जो गहरी आस्था रखते हैं छठी मैया में, और महापर्व छठ में भगवान भास्कर का इंतजार हो रहा है कि कब वो अपने दर्शन दे दे सूर्यदेव, और उसके बाद छठ व्रती जो है वो उन्हें अर्घ दे। जमशेदपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो खचाखच लोगों की भीड़ है और सभी अपने अपने पर्व को मनाने के लिए पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री की निगरानी में और देखरेख में सूर्य मंदिर के तमाम इंतजाम किए गए। सनी जी, बताइए, अगर आवाज पहुंच रही है तो बातचीत करिए सीएम रघुवर दास से। हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए सीएम यहाँ पर पहुंच गए हैं, और सीएम से बात करें उससे पहले जो नजारा है एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जो इंतजार था सूर्योदय का वो लगभग हो चुका है, और तमाम जो छठ व्रती हैं वो अब अर्घ देने लगी हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो लंबे समय का इंतजार था और उसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री एक बार फिर से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर, आप एक
बहुत इंतजार के बाद अब वो घड़ी आ गई कि सूर्योदय हो। मैं अभी सब सुबह में हम आराध्य देकर भगवान सूर्य की आराधना करेंगे और इस सूर्य आराधना में हम मानव कल्याण की कामना करेंगे। सभी इस देश में या विश्व में जो हमारे मानव जाति है, यही हमें सनातन धर्म में हमें यही सीख देती है कि हम मानव कल्याण का काम करें और खासकर जो दीन दुखी है, गरीब है, शोषित वंचित, उनकी हम सेवा करें। यही हमारी भारतीय संस्कृति हमें सीख देती है। और अब अगला साल हम लोग छठ महोत्सव का इंतजार करें और ये छठ महोत्सव जिस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इससे निश्चित रूप से सनातन धर्म का पूरा विश्व में परचम लहरा रहा है। बहुत जल्द भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। हाँ, अभी मैं अभी देखे भगवान सूर्य से शक्ति प्राप्त करूंगा, उनसे उनके अंदर जो तेज है, उनके अंदर जो प्रकाश है, वो मेरे अंदर आए ताकि मैं झारखंड की समस्त जनता की सेवा कर सकूं। मैं था कि आज मुख्यमंत्री जी पैदल आ रहे हैं घर से, सोचा ही था कि पैदल आऊं लेकिन लेट हो गए। तो मुख्यमंत्री अब जा रहे हैं अर्घ देने के लिए और उसके बाद फिर यहाँ पर लौटेंगे। हम मुख्यमंत्री जी के साथ जाएंगे और अर्घ देने की सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री अब अर्घ देने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और उनके साथ साथ मैं भी अंजलि जा रहा हूँ और अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर सूर्य मंदिर पहुँचे हैं और उसके बाद अब अर्घ देने के लिए वो जा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकल चुके हैं और अर्घ देने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से छठ घाट तक मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अब वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम बिहार झारखंड के दर्शकों को शुभकामनाएं भी दी और बताया कि जो भव्यता है और लोकप्रियता है वो छठ की लगातार बढ़ रही है। आगे मुख्यमंत्री चल रहे हैं और हम लोग उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि ये सीधी तस्वीर है। और देखिए, ये सूर्य मंदिर की भव्यता हम जो लगातार अंजलि सुबह से दिखा रहे हैं, कल से दिखा रहे हैं, और यही भव्यता है शायद कि जमशेदपुर वासियों को यहाँ तक खींच कर ले आती है। और अभी अपने लोगों के बीच में, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल सनी, हम उस वक्त आपसे जुड़ेंगे जब सीएम रघुवर दास जो छठ व्रती को अर्घ देंगे, वैसी तस्वीर भी हम दिखाएंगे तमाम दर्शकों को। और एक जानकारी यहाँ दे दें कि पटना से पहले ही रांची और जमशेदपुर में सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे दिए, यानी कि सूरज देव जो है वो उग गए हैं, इसलिए छठ व्रती जो है वो अर्घ देने का जो अब सिलसिला है वो शुरू कर चुकी है। रांची के टैंक तालाब से हमारे सहयोगी कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। कामरान, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए और छठ व्रती जो है वो अर्घ देना शुरू कर चुकी है। कैसी तस्वीरें दिखाने के लिए आसपास की तस्वीरें दिखाएं कामरान? जी बिल्कुल, पिछले 36 घंटे से जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आखिर आ चुका है और सूर्य ने दर्शन दे दिए हैं। तस्वीरें हम दिखाएंगे रांची के टैंक तालाब से, जहां पर जो छठ व्रती है उन्होंने सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और जो यहाँ पर जो कि सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सूर्य को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम जितनी भी छठ व्रती हैं वो पानी में तो काफी पहले उतर गई थी, जितनी भी प्रोसेस पहले की होती है अर्घ देने से पहले की, तमाम प्रोसेस को कर लिया गया था। अब सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीरें, पानी में उतर कर अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान भास्कर की उपासना में लग गए हैं। जितने भी छठ व्रती हैं वो लग चुके हैं और उसके साथ ही जितने भी साथ में आए हुए जो परिजन हैं वो भी उनके सपोर्ट में लगातार हैं कि छठ व्रती सूर्य जो अर्घ दे रही है, तो साथ में जितने भी जरूरी सामान का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो प्रसाद का इस्तेमाल किया जाता है, उन तमाम प्रसाद को जितने भी पुरुष हैं यहाँ पर वो दे रहे हैं कि छठ व्रती इस प्रसाद के साथ सूर्य को अर्घ देने के बाद प्रसाद का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है उस तरीके से इस्तेमाल करें। तो तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर रांची में 6:52 में ये वक्त आना था जिस वक्त सूर्य को अर्घ दिया जाना था, वो वक्त आ चुका है और ये महिलाएं बिल्कुल कामरान, इन तस्वीरों के बारे में बता दें कि अर्घ देने की प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले छठ व्रती जो है वो पानी के अंदर प्रवेश करती है, उसके बाद अपने हाथों से आंचल जो है वो आगे रखती है और घर की जो बेटी या बहू होती है
वो उस आंचल पर सबसे पहले हल्दी का लेप लगाती है, सिंदूर लगाती है, उसके बाद मांग में नाक तक सिंदूर लगाया जाता है और फिर जो है वो घर की बेटी या बहू जो है छठव्रती के हाथों में सूप देती है और उसी सूप के साथ छठव्रती सूर्यदेव की आराधना करती है। हाथों में सूप लेकर के उन्हें ध्यान में रखते हुए एक चक्कर उनका लगाती है और उसके बाद जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो घर के जो बाकी सदस्य होते हैं वो अर्घ देते हैं, यानी कि जल या दूध जो भी हो उनके पास वो चढ़ाते हैं और वो भी सूर्यदेव से अपनी मनोकामना मांगते हैं, छठ मैया से अपनी मनोकामना मांगते हैं। हम ललिता के पास चलेंगे, पटना के कंकड़वा के शिवाजी पार्क से हमारी सहयोगी ललिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ललिता, रांची और जमशेदपुर में तो इंतजार खत्म हो गया है, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए और वहाँ छठव्रती जो है वो अर्घ भी दे रही है, शिवाजी पार्क में क्या सूरज देव ने दर्शन दे दिए हैं? जी, आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्रसाद है, आने के लिए तो आप उस गेट पर खोज किए लेकिन माता का मौन गेट ये है जो आज जब बच्चा भी हम लोग कराते थे तो इसी गेट पर। तो शोरगुल काफी, आवाज काफी ज्यादा आ रही है इसलिए हमारे कई सहयोगी जो है वो आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम एक बार फिर से रुख करेंगे ललिता का। ललिता, रांची और जमशेदपुर में सूरज देव ने दर्शन दे दिए हैं, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और सभी छठव्रती अर्घ देने का सिलसिला जो है वो शुरू कर चुकी है। शिवाजी पार्क में भी दिख रही है सूरज की लालिमा, क्या कितना इंतजार अभी और? बिल्कुल अंजलि, देखिए कह सकते हैं कि अब यहाँ पर इंतजार की घड़ियां जो है वो समाप्त हो चुकी है और तस्वीरें बेहद ही रोचक देखने को मिल रही है। एक वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर अर्घ देने की प्रक्रिया जो है वो लगातार शुरू भी हो चुकी है और कई परिवार ऐसे हैं जो अर्घ दे भी चुके हैं और एक अर्घ देने के बाद भी प्रक्रिया होती है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे परिवार हैं जो अर्घ दे भी चुके हैं और अर्घ दे रहे हैं जी। उसके सिवाय एक और तस्वीर हमारे पास है वो ये है कि जब अर्घ पड़ जाता है अंजलि, उसके बाद लोग हुमाद से भगवान की पूजा करते हैं और वो पूजा क्या होती है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भीड़ काफी है क्योंकि अभी अभी इनकी पूजा समाप्त हुई है और अब देखिए जरा ये क्या पूजा कर रही है और किस तरह से कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूजा कर रही है। ये बताइए कि क्या पूजा कर रही हैं आप? अब हो रहा है, हो गया खत्म। किस चीज की पूजा कर रही है? आपने अभी अर्घ दे दिया है, अब आगे की ये प्रक्रिया है, पूरा परिवार आपके साथ ये जो हवन है वो करेगा, ये हवन क्या है ये बताइए। सूर्य भगवान के है। ठीक है ललिता, तो पटना में भी लगता है कि सूरज देव ने दर्शन दे दिए हैं और छठव्रती जो है वो अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू कर चुके। सीधे हम आशुतोष का रुख करते हैं, पटना के लॉ कॉलेज घाट में इस वक्त आशुतोष मौजूद है। आशुतोष, क्या सूरज देव ने दर्शन दे दिए हैं, आगे क्या चल रहा है वहाँ? सुरक्षा जांच आपकी एवं आपके परिवार की सुरक्षा हेतु अनिवार्य है, अतः सुरक्षा जांच में सहयोग करें। व्रती जो है वो अर्घ देने की प्रक्रिया, लेकिन अभी तक भगवान भास्कर का दर्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि शुरुआत होती है तो धुंध की स्थिति रहती है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्योंकि वजह भी है कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। एक छोटे से घाट की स्थिति हम दिखाना चाहेंगे आपको, क्योंकि अलग व्यू से दिखाना हमारा मकसद था कि छोटे से घाट पर कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, जरा देखिए नजारा, माफ कीजिएगा, और अंदाजा लगाइए कि क्या आस्था है लोगों की छठ पर्व को लेकर के, और बड़ा छोटा अमीर गरीब सारे भेदभाव मिट चुके हैं और सारे लोग घाट पर हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि अमूमन आमतौर पर ये माना जाता है कि पटना का जो घाट है, ये जो तीन अनुमंडल है, पटना सिटी, पटना सदर और दानापुर, यहाँ मिलाकर कुल लगभग 88 घाटों पर अर्घ देने की तैयारी की गई है और 5 से 6 लाख की संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं पटना शहर के घाटों पर। अंदाजा लगाइए कि पूरे बिहार में क्या स्थिति होगी, और बिहार की बात तो छोड़ दें, विदेशों में भी अब छठ की धूम देखने को मिलती है। तो ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि छठ की महिमा और छठ को मानने वाले लोगों की तादाद जो है लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मुझे सुबह ही बताया गया था कि कल शाम में जो भीड़ आपने देखी है वो भीड़ कुछ नहीं है,
सुबह में और भीड़ ज्यादा बढ़ेगी। इसके पीछे वजह भी थी कि शाम में लगभग एक घंटे का वक्त रखा गया था जब छठ व्रती अर्घ्य देते और लगभग 4:10 से